हे ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं बहुत ही खुश है और पॉजिटिव है। दोस्तों आपके लिए आज मैं लाया हूं एक अमेजिंग टाउनशिप, सनटेक बीच रेसिडेंसेस। अगर आपका ये ड्रीम है कि आपको बीच फ्रंट हाउस चाहिए, घर से जब आप बालकनी में खड़े हो तो आपको पूरा का पूरा बीच व्यू चाहिए, तो वसई में सुरुचि बीच पे लोकेटेड ये प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग टाउनशिप है। 50 एकर्स का टोटल इसका लैंड बैंक है, जिसमें 10 एकर्स पे ही कंस्ट्रक्शन होगा और 40 एकर्स का जो स्पेस होगा वो ओपन हैबिटेट है। तो अगर आप कहीं पे सोबो में रह रहे हो, बांद्रा वर्ली, और वहां पे आपका सी फेसिंग घर नहीं है लेकिन आपकी एक बड़ी प्रॉपर्टी है और आपको एक सी फेसिंग वीकेंड होम या फर्स्ट होम बनाना है, तो ये पूरा अमेजिंग टाउनशिप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों ये ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी का अमेजिंग टाउनशिप है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4,500 फ्लैट्स रहेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका और ये पूरा लेआउट है। मैं पूरा लेआउट अभी आपको समझाने वाला हूं। अगर आप यहां मेन रोड से एंटर करोगे तो सुरुचि बीच से ये जो प्रोजेक्ट है हार्डली 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये मेन रोड आपका क्रॉस करके आता है, पूरा का पूरा यहां पे नीचे आप ऑब्जर्व करोगे तो स्ट्रीट रिटेल है, बड़े बड़े शॉप्स यहां पे आएंगे, मल्टीपर्पज ब्रांड्स आएंगे और ये 50 प्लस एमिनिटीज के साथ में प्रोजेक्ट आता है। ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी का इसका अप्रूवल है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। 2025 तक डेवलपर क्लेम कर रहे हैं कि वो पोजेशन दे देंगे, रेरा के हिसाब से 2027 तक इसका पोजेशन आ जाएगा। 4 स्टोरीज जो है इसके, ग्राउंड प्लस 4 इसका रहेगा पोडियम पार्किंग और उसके ऊपर जो रहेगा वो रहेगा आपका हैबिटेबल फ्लोर्स। तो आइए देखते हैं सी फेसिंग टावर, मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। दोस्तों मेरे सामने ये जो A1 टावर है ये सामने दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट सी फेसिंग टावर है। इसमें सिर्फ 3 BHK है, 3 BHK आपको 908 का यूजेबल कार्पेट एरिया आता है, रेरा कार्पेट एरिया आता है। और अगर इसके फ्रंट में आप खड़े रहोगे तो देखिए सामने पूरा सी फेसिंग का आपको व्यू मिल जाएगा, मतलब आपके बालकनी में अगर आप खड़े रहते हो तो आपको 500 मीटर्स पे पूरा का पूरा सी फेसिंग व्यू है। उसी के बाद में ये सामने जो देख रहे हो आप 5-star होटल है, तो 50 एकर्स के लैंड बैंक में पर्सनली आपको 5-star होटल मिल जाएगा और 5-star होटल के साथ में 1,00,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्लब हाउस है। सबसे बड़ा क्लब हाउस अगर आपको मुंबई में चाहिए तो ये 1,00,000 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा क्लब हाउस दोस्तों आपको आ जाएगा और उसी के साइड में आपको 5-star होटल है। दोस्तों 5-star होटल एक 1,00,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बहुत ही अमेजिंग वे में डेवलप किया है, 50 प्लस एमिनिटीज है। आप अगर क्लब हाउस का स्विमिंग पूल देखोगे तो क्लब हाउस का स्विमिंग पूल ऐसा रहेगा कि वहां पे आपको इमीडिएटली सामने सी फेसिंग मिल जाएगा। तो एक बाली या थाईलैंड में जैसे क्लब हाउसेस होते हैं और वहां पे सी फेसिंग क्लब स्विमिंग पूल आता है, वैसा ये स्विमिंग पूल यहां पे आपको मिल जाएगा। आपका 5-star होटल भी है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 20 स्टोरी का 5-star होटल होगा। और इसमें प्लस पार्ट क्या है कि सारे विलाज होंगे। मैं विलाज का स्ट्रक्चर दोस्तों आपको बताता हूँ, इसमें 84 विलाज आपको आएंगे। ये देखिए ये विला का पूरा स्ट्रक्चर है, 4,500 स्क्वायर फीट का विला है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। और 50 प्लस एमिनिटीज इसमें रहेंगे। तो 3 BHK जो है वो 908 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है और इसमें 2 BHK जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 635 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया विद बालकनी। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इसमें आपको बुकिंग करनी है, साइट विजिट करनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिएगा। अभी हम देखने वाले हैं इसका सैंपल फ्लैट। वेलकम टू सनटेक बीच रेसिडेंसेस, 3 BHK, 908 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया, ये इसका पूरा का पूरा फ्लोर प्लान है। और मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। आपको ये एम्प्टी मिलेगा लेकिन आप अगर फर्नीचर इसमें करोगे तो बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है। जैसे आप एंटर करते हो हमें 3 feet का बड़ा वाइड पैसेज मिल जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको किचन आ जाएगा, किचन बहुत ही लैविश है और 9x6x7x6 का किचन का विड्थ है, बड़ा किचन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। एक 3 BHK 908 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में अच्छा किचन मैं बोल सकता हूं यहाँ पे है। पूरा 9 feet का बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है, जगुआर की फिक्स्चर फिटिंग से पूरी की पूरी इसमें। और 9 feet के एक प्लेटफॉर्म में हम 4-star का हॉब आराम से रख सकते हैं, देखिए 1, 2, 3। और अगर एक 4-star का हॉब आपको रखना है तो आप रख सकते हो। इसमें एशियन पेंट स्लिक का मॉड्यूलर किचन बनाया है, ऐसा आप मॉड्यूलर किचन बना सकते हो। डेवलपर की तरफ से ये मॉड्यूलर किचन नहीं मिलेगा लेकिन स्पेस देखिए दोस्तों,
ये मॉड्यूलर किचन बनाने के बाद में भी आपको बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 14 कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे, टोटल किचन में 14 से भी ज्यादा कंपार्टमेंट्स होंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे किचन की या पूरे घर की जो लगी है वो है इसकी हाइट। बॉटम टू सीलिंग की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 फीट की आपको मिल जाती है। 10 फीट की हाइट का फायदा यह है कि देखिए यहां पे एक कंपार्टमेंट आपका मॉड्यूलर किचन का हो गया, ये कंपार्टमेंट आपका मॉड्यूलर किचन का हो गया, चिमनी हमने यहां पे इंस्टॉल कर दी है, उसके ऊपर भी बावजूद आपको बड़ा पूरा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। तो एक थर्ड लेयर अगर आपको स्टोरेज स्पेस की बनानी है तो इसमें आप बना सकते हो। यहां पे जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, यहां पे आपको एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी। तो आपको एक अच्छा सा आपका यूनिट डेवलप करना है तो यहां पे आप डेवलप कर सकते हो। ड्राई बालकनी जो है वो आपको साइड में सामने ड्राई बालकनी आ जाती है। ड्राई बालकनी में वॉशिंग मशीन आप रख सकते हो, फ्रंट लोडेड या अपर लोडेड वॉशिंग मशीन आपको यहां पे आ जाएगा। और इसमें इनलेट आउटलेट ड्रेनेज तीनों यहां पे ही दिया हुआ है। स्पेशियस लिविंग रूम दोस्तों, 17x10 का ये लिविंग रूम है, 17 square feet by 10 square feet का बड़ा लिविंग रूम। देखिए मैं पीछे जा रहा हूं, लिविंग रूम खत्म नहीं हो रहा है। 908 के कारपेट एरिया में अप्रोक्सीमेटली 200 square feet आपका लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम काफी स्पेशियस है, यहां पे 3 seater का एक सोफा सेट रखा हुआ है, यहां पे एक चेयर यहां पे इंस्टॉल की है, सामने वॉल यूनिट पे आप टीवी देख सकते हो। इतना बड़ा स्पेस आपको 3 BHK में लिविंग रूम का आ जाता है। हाँ, अगर आपका एग्जिस्टिंग रेसिडेंस बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है आपको ये छोटा लगे, लेकिन ये प्राइस में 1 crore 40 lakhs के ओवरऑल पैकेज में अगर एक 15 फ्लोर की हम बात करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टाउनशिप, अमेजिंग प्रोडक्ट सनटेक ने लाया है। इसको पूरी फ्रेंच विंडोज आ गई है, ये फ्रेंच विंडो का स्ट्रक्चर है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा वो है 3 BHK की बालकनी। दोस्तों देखिए 4 feet की बालकनी है, तो 4x10 feet की ये बालकनी आ जाएगी, बड़ी 10 feet की और 4 feet वाइड बालकनी है। इसमें आपको कंप्लीट सामने जो मैंने A1 टावर बताया था उससे कंप्लीट सी फेसिंग व्यू मिल जाएगा। ये व्यू मैं आपको अभी ड्रोन शॉट का दिखा रहा हूं, ये पूरा ड्रोन शॉट का व्यू आपको सी फेसिंग में इसमें आ जाएगा। आप आपकी इवनिंग आपके फ्रेंड्स के साथ में एक छोटी सी पार्टी अगर आपको करनी है तो यहां पे आप आराम से बैठ के टेबल सेट करके इसको एंजॉय कर सकते हो। इतना अच्छा सी व्यू आपको मिल जाने वाला है। और इसमें प्लस पार्ट क्या है कि हमें बाकी के जो 3 bedrooms है उसमें भी सी व्यू आता है। तो लिविंग रूम ये है, लिविंग रूम को साथ में ही आपको डाइनिंग टेबल भी कनेक्टेड है, तो डाइनिंग टेबल के लिए एडिशनल स्पेस दिया है। ये 6 seater का डाइनिंग टेबल यहां पे इंस्टॉल किया है, देखिए बहुत ही एलिगेंट डाइनिंग टेबल है। इसमें 6 लोग, आपकी बड़ी फैमिली है 2+2 मॉम डैड के साथ में, तो आप 6 का डाइनिंग टेबल इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बड़ा डाइनिंग टेबल है, 3 seater यहां पे और 3 seater चेयर्स यहां पे, एलिगेंटली डिजाइंड है। अगेन इसका जो हाइट है वो 10 फीट का है, तो सीलिंग हाइट 10 फीट होने की वजह से इसमें प्लस पार्ट क्या है कि आप वॉल एसी की जगह पे, स्प्लिट एसी की जगह पे ये अपर एसी भी लगा सकते हो। अभी हम देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम। फर्स्ट कॉमन वॉशरूम पैसेज एरिया 3 feet का बड़ा पैसेज एरिया है। कॉमन वॉशरूम यहां पे है, 7x4 का कॉमन वॉशरूम है, और इसमें आपको जैगवर की फिक्स्चर फिटिंग्स कंप्लीटली आ जाएंगी। शॉवर के लिए अलग एरिया है, जैगवर की प्लंबिंग है, जैगवर का वॉश बेसिन है, और जैगवर के ही आपको ड्यूराफिट और जैगवर के ही आपको प्लंबिंग फिक्स्चर फिटिंग्स आ जाएंगे। एंटी स्किड टाइल्स डेवलपर ने यूज किए हैं, और टॉप नॉच एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे आता है। दोस्तों ये है आपका किड्स का स्वीट, बहुत ही अच्छा है। आप क्वीन साइज बेड यहां पे ऑलरेडी रखा हुआ है, 5x6 का बेड यहां पे है एट दिस मोमेंट, तभी भी आपको 2.5 feet की स्पेस इस साइड में, 2.5 feet की स्पेस इस साइड में। एक वार्डरोब, 4 door का वार्डरोब रखने के बावजूद भी आपको पूरी स्पेस मिल जाती है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं फिर से बता दूं, अगर आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इवनिंग में बैठे हैं, तो उनको सामने पूरा का पूरा बीच का व्यू मिल जाएगा। बीच हार्डली 500 meters है, तो एक टॉप फ्लोर पे अगर आप यूनिट लेते हो 15-16 floor पे, तो आपको बीच व्यू बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। सामने देखिए 4 door का वार्डरोब इंस्टॉल्ड है, वार्डरोब के लिए भी बहुत बड़ा स्पेस दिया हुआ है। यह आपका सेकंड मास्टर स्वीट, जैसे ही आप एंटर करते हो सामने आपको कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर वॉशरूम इसमें आ जाएगा। सामने आप ऑब्जर्व करोगे तो एलिगेंटली डिजाइंड है, 7x4 का ये वॉशरूम है,
अगेन इसमें सारे फिटिंग्स जो आएंगे वो बाथरूम फिटिंग्स आपको जैगवर के बाथरूम फिटिंग्स से और फिक्सर फिटिंग्स आ जाते हैं। सेकेंड मास्टर स्वीट 10x12 का ये मास्टर स्वीट है, बेडरूम बड़ा लगता है, अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। ये एक 5x6 का अगेन बेड यहां पे इंस्टॉल्ड है और आपको वॉल पे, इस वॉल पे पर्टिकुलरली कंप्लीटली आपको यहां पे वार्डरोब डिजाइन किया है। ये बड़े हाइट का वार्डरोब है तो इसमें स्पेस ज्यादा मिल जाती है। मैं खोल के देखता हूं, चेक करता हूं अगर ओपन होता है कि नहीं होता है। ये ओपन नहीं हो रहा है लेकिन तीसरे वाले बेडरूम का ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको और एक स्टोरेज स्पेस आप ऊपर बना सकते हो। इसमें आपका ये पेरेंट्स को डेडिकेट करना है तो पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकते हो इस बेडरूम को। और इस बेडरूम से भी दोस्तों आपको सी व्यू मिल जाता है। देखिए कहां सामने ये पूरा आपको फ्रेंच विंडो रहेगा और फ्रेंच विंडो के साइड में कंप्लीट सी व्यू रहेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स को इवनिंग में एंजॉय करना या दिन भर बैठना है तो दे कैन सिट ऑन द बेड और टीवी देखते देखते सामने से आप सी व्यू भी एंजॉय कर पाओगे। थर्ड एंड फाइनल मास्टर स्वीट, लग्जरी एट इट्स बेस्ट। 3 फीट का वाइड पैसेज, लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका कॉमन वॉशरूम, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम आ जाता है। लग्जरी एट इट्स बेस्ट, जैसे मैंने बोला तो बाथरूम की फिक्स्चर फिटिंग्स जो है वो सारी जैगवर की फिक्स्चर फिटिंग्स आएंगी। बड़ा मास्टर बेडरूम है, बड़ा मास्टर है ये। और इसकी जो कार्पेट एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली बेडरूम का कार्पेट एरिया है दोस्तों 130 square feet का। इसमें किंग साइज बेड अगर आप बड़ा इंस्टॉल करते हो तभी भी 3-3 feet का स्पेस सारे साइड्स में आपको मिल जाता है। आपको एक बड़ा लैविश बेड बनाना है तभी भी लैविश बेड बनाने के बाद में 2-2 feet का स्पेस आपको सब जगह से मिल जाएगा। सामने यहां पे वॉल यूनिट है, टीवी आप यहां पे इंस्टॉल कर दो तो इस साइड में कंप्लीट फ्रेंच विंडो से आपको बाहर का सी फेसिंग का व्यू मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था, लिविंग रूम से सी फेसिंग का व्यू है, बेडरूम से सी फेसिंग का व्यू है, मास्टर बेड से है, किड्स बेड से, तो चारों जगह से आपको सी फेसिंग का व्यू मिल जाता है और एम्पल स्पेस 908 के कार्पेट एरिया में मिलती है। ये देखिए यहां पे वार्डरोब है, वार्डरोब की जो हाइट में थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, वार्डरोब का फायदा डबल स्टोरेज इसमें आ जाता है। इसमें देखिए ये एक कंपार्टमेंट है नीचे का, ये दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा एंड टॉप शेल्फ जो फोर्थ शेल्फ है, इसको आप बंद कर देते हो तो 4 डोर का ये वार्डरोब है। यहां पे देखिए ये पूरा का पूरा वार्डरोब आपको मिल जाता है। आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो। अगर ऐसा ही प्रॉपरली डिजाइन करना है आपको यूनिट आपका तो 8 से 9 लाख रुपए का एडिशनल एक्सपेंस आएगा। दोस्तों ये सेंटेक रियलिटी का प्रोजेक्ट है और सेंटेक रियलिटी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका जो स्टॉक प्राइस है आज की सिचुएशन में अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज के रेंज में है। 7500 करोड़ का इसका नेटवर्थ है तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसमें आप अगर आपका प्रॉपर्टी बुक करते हो तो सनटेक का प्रीमियम एडवांटेज आपको मिल जाएगा। बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टेबिलिटी होगी और पोजीशन ऑन टाइम मिलता है। सनटेक ने आज तक जो उनके कंस्ट्रक्शन करके दिए है, जो नायगांव का प्रोजेक्ट है वेस्ट वर्ल्ड का, उसका पोजीशन भी अभी आ रहा है और रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, बांद्रा मुंबई अंधेरी वो एरियाज में रहते हो और आपका बड़ा 12-15 करोड़ का यूनिट है और छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो ये प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। आपका 3 BHK जो है एक हायर फ्लोर का 1 करोड़ 40 लाख से स्टार्ट होता है, उसमें 2 पार्किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हाउसिंग लोन आपको करना है तो हाउसिंग लोन आप कोई भी बैंक से कर सकते हो, 90% तक का फंडिंग हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आपके हाथ में एक 20 लाख रुपीज है और लोन की आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको इसका पर मंथ का EMI 20 ईयर्स के लिए 84,000 तक आएगा और 30 ईयर्स के लिए 79,000 तक आएगा। तो ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मैं इसका अगर आपको एक फ्यूचर बता दूं तो वसई कंप्लीटली डेवलप्ड है। आज की सिचुएशन में महाराष्ट्र की 5th biggest city में वसई आती है। तो अगर आप वसई में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, वो भी बीच फ्रंट रेसिडेंस में, बिकॉज ये बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। आज की सिचुएशन में मुंबई कंप्लीटली फिल्ड है, सबर्ब्स कंप्लीटली फिल्ड है, बीच फ्रंट रेसिडेंसेस में ये एक ही ऐसा प्लॉट है, एरिया है जहां पे कोई डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आज की सिचुएशन में आगे के 10 सालों के लिए कि यहां पे इन्वेस्ट करना। तो मैं एक अज्यूम कर लेता हूं, आज अगर आप इसमें 1 करोड़ 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो पोजेशन तक डेवलपर इतने स्ट्रांग है कि वो आपका 100% रिटर्न आपको आराम से दे देंगे। तो इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। टाइटल क्लियर है, CC ऑलरेडी आ चुका है, RERA सर्टिफाइड है,
पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है, तो इसमें अगर आपको बुक करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिएगा, मैं आपको कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।